हम आपको बता दें कि कस्बा असाइन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए हसायन में प्रथम आगमन पर स्थानीय पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र पद के वितरण करते हुए संगठन को मजबूत करने की दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष स्वतंत्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में किसानों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुष्प मालाएं, पगड़ी बांधकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत भी किया गया। आप हसायन में आए हो, क्या कहेंगे हसायन की जनता के लिए, क्या संदेश है, क्या कहेंगे आप? आज हसायन में जो कार्यक्रम है ये संगठन विस्तार का कार्यक्रम है। संगठन में लोगों को सदस्यता दिलाई जा रही है जिससे कि किसानों के आंदोलन को तेज किया जा सके। जब प्रदेश में सरकार बनी थी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो किसानों ने बड़ा ही विश्वास किया था सरकार पर कि किसानों को फ्री सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी, लेकिन सरकार अभी तक अपने एक भी वायदे को पूरा नहीं कर पाई है। किसानों के लिए केवल चुनाव में वायदे किए जाते हैं, किसानों को मिल कुछ भी नहीं पाता है। जब सरकार किसानों ने बनवाई है तो जो भी वायदे किए गए किसानों से, जैसे सिंचाई के लिए फ्री बिजली का, जबकि समर के कनेक्शनों पर मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि सरकार को किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देनी चाहिए, और तमाम मुद्दों को लेकर के अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, जल्दी आंदोलन तेज किया जाएगा। फिलहाल बरसात से जो नुकसान हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बरसात से जो नुकसान हुआ है, सरकार को ऐसा करना चाहिए है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करवा करके अधिक से अधिक मुआवजा किसानों तक सीधे पहुंचना चाहिए बिना किसी मीडिएशन के। आप देख रहे हैं TV 30 इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।